तो रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर है। उन्होंने दौरे के दूसरे दिन भोपाल में महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के सम्मेलन में शामिल होने भोपाल पहुंची। यहां उन्होंने प्रदर्शनी देखी। मंच पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने भोपाल स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण भी किया। इसके बाद जनजातीय संग्रहालय भी पहुंची, जहाँ राज्यपाल मंगू भाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद रहे। तो मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें प्रदेश भर से 15,000 समूह की सदस्य महिलाएं आई हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू पहली बार मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि गुना जिले से अनीता पटेरिया ने मंच से अपनी कहानी बताई। पहले मजदूरी करती थी, आटा चक्की के व्यवसाय और समूह से ऋण लेकर पति को ट्रैक्टर दिलाया। पहले बच्चों को लेकर मजदूरी करती थी, अब बच्चे पढ़ते हैं।